डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विमीय सूत्र ज्ञात करना सीखा था। आज हम लोग विमाओं की उपयोगिता क्या है इसको देखेंगे। विमाओं की उपयोगिता। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हम बताएंगे, विमाओं के सामान्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से आप पूरे आवर्त भौतिक विज्ञान के किसी सूत्र का पता लगा सकते हैं कि यह सूत्र सत्य है या असत्य है। विमाओं के सामान्यता सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होता है। विमाओं के सामान्यता सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होता है। यदि कोई भी समीकरण दिया गया है तो उस समीकरण में प्रत्येक पद का जो विमीय सूत्र होगा वो बराबर होना चाहिए। कौन कहता है? होमोजेनियस रूल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमाओं के सामान्यता का सिद्धांत ये कहता है प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होना चाहिए। प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अलग अलग बराबर होना चाहिए। अब इसका आप उदाहरण लेंगे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यदि गति का हम प्रथम समीकरण लें, समीकरण के सत्यता की विमीय विधि से जांच कीजिए। गति का प्रथम समीकरण है b बराबर यू प्लस ए टी। इसका क्या करना है हमको? समीकरण के सत्यता का विमीय विधि से जांच कीजिए। हमको क्या याद करना है कि असत्य है या असत्य है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी समीकरण में भौतिक राशियां रहेंगी उन राशियों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे यहां पर b है, b क्या है? किसी पिंड का द्वारा अर्जित अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? समय है। t क्या है? समय है। तो ये हमको जानना नितांत आवश्यक होता है। अब d का विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं, LT की पावर -1। अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, कभी भी विमीय सूत्र बदलता नहीं है। a का एलटी की पावर -2 और समय मूल राशि है तो ये तो टी ही रहेगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखने पर। अब देखिए समीकरण क्या है, b बराबर यू प्लस ए टी है। अब b का एलटी की पावर -1 हो गया और u का एलटी की पावर -1 हो गया, a का एलटी की पावर -2 हो गया और ये t का t हो गया। आप ये देखिए यहाँ गुणा विधाते जुड़ती हैं। कई बार आपको बताएं यहाँ एलटी की पावर -2 है
और ये प्लस वन है, एल टी की पावर माइनस वन हो गया, एल टी की पावर माइनस वन हो गया, एल टी की पावर माइनस वन। आप ये देखिए प्रत्येक पद में इस सूत्र एल टी की पावर माइनस वन है कि नहीं है। अतः यह विमाओं के सामान्यता सिद्धांत के अनुसार दिया गया समीकरण बिल्कुल सत्य है, दिया गया समीकरण सत्य है। यहां पर इन दोनों को हम ऐड नहीं करते हैं, जोड़ते नहीं हैं, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। अतः दिया गया समीकरण क्या है? सत्य है। ये क्वेश्चन और लेते हैं, गति का द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण के सत्यता की जांच करेंगे। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी। आपको यह बताना है कि यह समीकरण सत्य है या असत्य है, यह समीकरण सत्य है या असत्य है, इसको आप अपने नोटबुक में पहले लिखिएगा प्रश्न को। दिया गया समीकरण सत्य है या असत्य है, विनियम विधि से जांच कीजिए। अब आप देखिए यहां यस, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का विनिमय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों को क्या लिखेंगे, विनिमय सूत्र लिखेंगे, यस का यन हो जाएगा। यस क्या है, दूरी है, दूरी को हमेशा विनिमय सूत्र में यल से रिप्रेजेंट करते हैं। यू का एल टी की पावर माइनस वन होगा और टी का टी हो जाएगा प्लस। आप जानते हैं कि एक बटे दो यहाँ संख्या है, संख्याएं सदैव विमाहीन होती हैं, उनकी कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। देखिए ए का एल टी की पावर माइनस टू और यहाँ टी हो जाएगा, एल हो गया यहाँ पर एल टी की पावर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा प्लस एल टी की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू, यहाँ का प्लस वन घात यहाँ का, कई बार चर्चा कर चुके हैं जहाँ घात कुछ नहीं होती सदैव वहाँ पर प्लस वन होता है। ये एल हो गया, अब यहाँ एल टी की पावर जीरो हो गया प्लस एल टी की पावर माइनस वन हो गया। आप ये देखिए एल है, ये एल हो गया और ये एल टी की पावर माइनस वन हो गया। अब आप यहाँ देखिए इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। विमाओं के सामान्यता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्येक पद का विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए। अतः ये जो दिया गया समीकरण है ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। दिया गया समीकरण क्या है, असत्य है। आपको दो होमवर्क दिया जा रहा है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू ए यस, दो तीन बी बराबर यू प्लस टू यस। तीनों समीकरण को आप जांच करेंगे कि दिया गया समीकरण सत्य है या असत्य है, इन तीनों की आप विभिन्न विधि से जांच करेंगे। जहां पर b क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, s क्या है, दूरी है। और आप क्रमिक रूप में हमने कहा था कि आप 10 भौतिक राशियों के नाम को लिखिएगा और उसका विमीय सूत्र ज्ञात कीजिएगा। धन्यवाद।